आज हम क्लासिक उर्दू फोक टेल में जो कहानी सुनेंगे इसका नाम है अकलमंद लड़का। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़ा फ़कीर किसी दरख्त के नीचे बैठकर मदद मदद की आवाज़ें लगाया करता था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। वो बेचारा शाम को भूखा और खाली हाथ अपने घर जाता तो बेगम पूछती, अजी खाने के लिए कुछ लाए हैं या फिर आज भी खाली हाथ आ गए? नहीं बेगम, आज भी किसी ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया। इसका मतलब है आज भी हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा, बस पानी पिए और सो जाएं। हमारे नसीब में यही लिखा है। फिर वो दोनों बुज़ुर्ग खाली पेट ही सो जाते। अगले दिन जब वो फ़कीर इस दरख्त के नीचे बैठा लोगों से मदद के लिए आवाज़ें लगा रहा था तो अड्डू नाम का लड़का बाबा जी के पास आया और बोला, बाबा जी मैं इतने दिनों से यहाँ से गुज़र रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप मुझे बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा किसी को हम पर ज़रा भी तरस नहीं आता, हम तो कई दिनों से भूखे सो रहे हैं। बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ के लोग होशियार चालाक लोगों को पसंद करते हैं। आप फिक्र मत करें, मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ कि लोगों से पैसे कैसे निकलवाते हैं। बेटा मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाहते हो? बाबा जी आप मेरे साथ चलें, आपको सब समझ आ जाएगी, बस आप खामोशी से बैठकर तमाशा देखना। फिर अड्डू बाज़ार से एक तोता लेकर आया और एक जगह पर खड़े होकर आवाज़ें लगाने लगा, बड़ा तोता 10 लाख रुपए का नायाब तोता। अड्डू की आवाज़ सुनकर एक आदमी उसके पास आया और कहने लगा, ओ भाई पागल तो नहीं हो गया, 10 लाख रुपए का तोता बेच रहा है? भाईजान ये कोई आम तोता नहीं है, ये तोता कैफियत पर लगा हुआ है। ओ भाईजान जाओ जाओ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, अगर लेना है तो लो वरना यहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ जा रहा हूँ, बड़ा आया 10 लाख रुपए का तोता बेचने वाला, अभी बादशाह सलामत को जाकर बताता हूँ कि तू 10 लाख रुपए का तोता बेचकर लोगों को पागल बना रहा है। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया और अड्डू ने फिर से आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। 10 लाख रुपए का तोता, बुज़ुर्ग मुलाकाती तोता, 10 लाख रुपए का तोता ले जाओ, ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। वहाँ वो आदमी बादशाह सलामत के पास पहुँच गया तो बादशाह उसे देखकर बोला, हमारे वज़ीर को क्या परेशानी है? बादशाह सलामत आपके सल्तनत में लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। वज़ीर तुम क्या कह रहे हो, हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा, हमारी सल्तनत में हमारे अवाम के साथ कौन धोखा कर रहा है? बादशाह सलामत एक लड़का बाज़ार में खड़ा होकर 10 लाख रुपए का तोता बेच रहा है, आपके दौरे हुकूमत में आप ही के इलाके में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बादशाह ने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि जल्द हमारी शाही सवारी निकालें, हम इस लड़के के पास जाएंगे। वजीर बादशाह और मलका अब अड्डू के पास पहुँचे और कहा, लड़के तुम हमारी सल्तनत में हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, क्या खूबी है इस तोते में जो तुम उसे 10 लाख रुपए का बेच रहे हो? बादशाह सलामत कोई खूबी नहीं है, ऐसे ही लोगों को पागल बना रहा है। अड्डू बोला, बादशाह सलामत ये कोई आम तोता नहीं है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। वज़ीर बोला, बादशाह सलामत ये लोगों को पागल बना रहा है, इसे गिरफ्तार किया जाए। मलका ये सारी बातें सुन रही थी, बोली, ज़रा रुको, और लड़के को कहा कि इस तोते की खूबी बताई जाए। बादशाह सलामत अगर किसी के रिश्तेदार मर गए हों और हम इस तोते को बताएं तो वो ऐसा अमल करेगा कि उसे अपने वो रिश्तेदार नज़र आ जाएंगे और वो इससे बातें करेंगे। वज़ीर बोला, बादशाह सलामत ये तो एक नंबर का ठग लगता है, ये कैसे हो सकता है? लड़के अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो हम तुमसे ये तोता 20 लाख रुपए का ख़रीद लेंगे। जी जी बादशाह सलामत, आप इसे पूछकर इस तोते को चेक कर लें, लेकिन एक शर्त है। बादशाह सलामत जो शख्स तोते से सवाल करेगा वो एक नेक और ईमानदार शख्स हो, बेईमान शख्स को कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बादशाह सलामत ने वज़ीर को तोते से पूछने का हुक्म दिया ताकि वज़ीर की ईमानदारी को चेक किया जा सके। अब वज़ीर सोच में पड़ गया, अगर कहूँगा कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो बादशाह मुझे बेईमान समझेगा, इसीलिए जब तोते ने सर उठाकर वज़ीर को देखा तो वज़ीर ने कहा कि मुझे मेरे अब्बा जान नज़र आ रहे हैं। अब्बा जान क्या हाल है आपका, आप मुझे बहुत याद आते हैं, ये कहकर वज़ीर ने आंखें खोल दी।
بادشاہ اور ملکہ دونوں حیران رہ گئے۔ اب ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ آپ بھی اس طوطے سے کہیں کہ یہ آپ کی ملاقات آپ کے ابا جان سے کروا دے۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ ملکہ کی بات سے انکار کیسے کرے۔ اب بادشاہ سلامت طوطے کے سامنے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے اور طوطے نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ بادشاہ کے ساتھ بھی وہی ہوا جو وزیر کے ساتھ ہوا تھا۔ اڈو نے بادشاہ سلامت سے پوچھا، کیا آپ کو اپنے ابا جان نظر آ رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے جواب دیا، ابھی تو نظر نہیں آ رہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر لڑکے نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت اب کوئی نظر آیا؟ بادشاہ نے کہا، ہاں اب مجھے ابا جان نظر آ رہے ہیں۔ ملکہ نے پوچھا، ساتھ اور کون ہے؟ بادشاہ بولا، ہاں ہاں میرے دادا جان بھی ابا جان کے ساتھ ہیں۔ ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے وہ طوطا 25 لاکھ میں خریدنے کا اعلان کر دیا کہ شاہی خزانے سے 25 لاکھ ادا کیے جائیں اور طوطا خرید لیا جائے۔ اس طرح اڈو نے 25 لاکھ روپے کمائے، آدھے پیسے خود رکھے اور باقی آدھے پیسے بابا جی کو دے دیے۔ اڈو نے بابا جی سے کہا، بابا جی اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، اب آپ کی ساری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو میری کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔